अखबार भी हो जाएंगे, छुट्टियां भी हो जाएंगी। एक कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है 11 अक्टूबर 2022 को, उस दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती होती है, 11 अक्टूबर उनका जन्मदिन है। इस अवसर पर हम लोगों ने तय किया है कि रांची में एक भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाया जाए। उसका लक्ष्य है कि औसतन 5 व्यक्ति हम चाहते हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि के रूप में आए, और प्रतिनिधि का सिलेक्शन हम लोग अपने नहीं करेंगे। ऑनलाइन पर हमने नंबर दिया है मोबाइल का, जिस पर लोग मिस कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, फिर इधर से पहल होगी, उनसे संपर्क करके उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, और जिनका हम पंजीयन कराएंगे वही लोग केवल उसमें भाग लेंगे। इसलिए एक आम सम्मेलन की तरह नहीं है, बल्कि जो स्वतः इच्छा से, अपनी इच्छा से इसमें आना चाहते हैं वे आए, और जो भी आए हम लोगों से परिचित हो या अपरिचित हो, सबके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आज तक का जो सूचना लोगों ने हमको दिया है कि करीब 35 विधानसभा क्षेत्रों से 253 लोगों ने मिस कॉल या व्हाट्सएप से इच्छा जाहिर की है कि वे इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 8 अक्टूबर को हम लोगों ने अंतिम समय रखा है रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि उसके बाद हम लोग जो संख्या आएगी उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। तो एक तो इसकी सूचना आप लोगों को मैं देना चाहता था, इसलिए कि मेरी तरफ से यह एक गंभीर पहल है, गंभीर प्रयास है, और प्रेस मीडिया को लगेगा कि भाई ये लोग केवल हैंड आउट भेज देते हैं और कभी प्रत्यक्ष होकर इसके बारे में नहीं बताए, तो ये भावना कहीं ना बने, इसलिए मैंने आज लोगों को तकलीफ दिया आने का। और हम सभी जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी का भारत के राजनीतिक इतिहास में क्या महत्व रहा है। 1974 में जब देश को आजाद हुए मात्र 27 साल हुए थे, और गणतंत्र घोषित हुए तो 24 साल ही हुए थे, और उस समय अभी खुमार बाकी थी आजादी की, आजादी के आदर्शों की, तो इसलिए कुछ लोगों ने पहल किया। जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र युवा आंदोलन की अगुवाई की और एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया देश में, केंद्र की सत्ता पलट गई। ये दुर्भाग्य था कि जयप्रकाश जी सत्ता पलटने के बाद साल भर के बाद जिंदा नहीं रहे, और उन्होंने आंदोलन में युवकों का आह्वान किया था, और उन्होंने कहा था कि राजनीति कैसी हो, आजादी के उद्देश्य क्या थे, इसके लिए जनशिक्षण होना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए जो राजनीतिक दल नहीं कर रहे। तो उस समय का ये माहौल था, और जयप्रकाश जी का देहावसान हो गया, उसके बाद 2.5 साल में ही केंद्र की सरकार पलट गई, और उस समय उन्होंने कहा था कि जयप्रकाश जी का आह्वान था कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं सत्ता के परिवर्तन के लिए नहीं है, यह व्यवस्था के परिवर्तन के लिए है, और व्यवस्था के परिवर्तन के आंदोलन में सत्ता का परिवर्तन एक पड़ाव भर है, अगर सत्ता परिवर्तित हो गई, एक पड़ाव हमने पूरा कर लिया, तो व्यवस्था परिवर्तन के बारे में निरंतर सतत आंदोलन चले, जिसका नाम उन्होंने संपूर्ण क्रांति दिया था, निरंतर क्रांति कहा था कि हमेशा लगातार चलने वाला यह बदलाव का प्रयास होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अगर हो नहीं सका, क्योंकि जो आंदोलन में नौजुवक हम सभी उसी आंदोलन की उपज है, उस आंदोलन से ही हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए, और उसके बाद सबका पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं हो पाया, इसलिए एक आंदोलन की धारा जो निरंतर चलती रहनी चाहिए। और उन्होंने यहां तक कहा था कि जो पार्टियां हैं, पार्टियों के भीतर से भी संसदीय लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधियों के बारे में आवाज उठनी चाहिए, उनके जो मूव है, उनके जो कदम है, उनका करेक्शन होना चाहिए, ये बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा था। अब बीच में उन्होंने महसूस किया कि आंदोलन की अगुवाई करने वाला जो समूह था, उस समूह ने भी बिहार संयुक्त था,
तो 1990 से लेकर आज तक वही समूह राज कर रहा है, भले कोई पक्ष में है कभी कोई प्रतिपक्ष में होता है, मगर उसमें भी जो जयप्रकाश जी ने कहा था उसके हिसाब से जन शिक्षण, परिवर्तन, निरंतर प्रयास, सतत क्रांति, अपने भीतर झांकना, अपने दलों के भीतर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाना, ये सब प्रक्रिया शिथिल हो गई और राजनीति हावी हो गई और अब तो चुनाव की राजनीति पूरी तरह हावी हो गई। और इसमें हम सभी देख रहे हैं कि पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी अपने अपने हिसाब से केवल सत्ता प्राप्त करना और सत्ता का जुगाड़ करने के लिए कोई भी कदम उठाना, ये उन्होंने एक तरह से अपना ध्येय मान लिया है। तो झारखंड जो बिहार का ही हिस्सा था उस समय, यहां भी हम लोग देख रहे हैं, आप सभी मुझसे बेहतर जानते हैं कि किस तरह की कोशिशें सत्ता को बचाने के लिए और सत्ता को बदलने के लिए हो रही है। दोनों ही तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं उस प्रयास में संसदीय लोकतंत्र की जो मर्यादा है, देश को आगे बढ़ाने का जो काम है, वह काम इसका शिकार हो रहा है। और खास करके मैं व्यक्तिगत रूप से और बहुत सारे हमारे मित्र हैं वे सामूहिक रूप से महसूस कर रहे हैं कि कोशिश होनी चाहिए, प्रयास होनी चाहिए और प्रयास के इस पहले कदम को ही हम मानेंगे कि हमने संघर्ष की तरफ कदम बढ़ाया है। तो इसी भावना के अनुरूप 11 अक्टूबर को एक प्रतिनिधि सम्मेलन हम बुला रहे हैं। इसमें किसी दल का कोई भी शामिल होना चाहे स्वतंत्र है, मगर इसके लिए जरूरी यही है कि उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही हम उनको आमंत्रित करेंगे। तो इसी को आपके सामने रखने के लिए, आपको सूचित करने के लिए और आपके माध्यम से आम जनता को अवगत कराने के लिए मैंने आज ये प्रेस सम्मेलन बुलाया है। इतनी बातें इस बारे में मुझे आपसे निवेदन करनी थी। इसके बारे में आप इच्छा, आप जो चाहेंगे बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।